रेलवे गेट बंद हो गई, हार्ट अटैक के मरीज के हॉस्पिटल पहुंचाने में ताखिर से एम्बुलेंस में ही मौत। तेलंगाना के जगत्याल जिले में वाकया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में रेलवे गेट बंद होने के नतीजे में मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने में हुई ताखिर के नतीजे में इसकी मौत हो गई। ये शख्स अपनी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में शिरकत के लिए गया था, जहां उसको दिल का दौरा पड़ा। इसको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जाने के दौरान रेलवे गेट बंद हो गई। 15 मिनट तक एम्बुलेंस वहीं ठहरी रही। तहम बात आसान, जब उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद मुर्दा करार दिया। वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के उस्तम भीमपल्ली का रहने वाला 52 साल शख्स, जिसकी शनाख्त विजय के तौर पर की गई है, अपनी बेटी से स्कूल में मुलाकात के लिए गया। इसकी बेटी गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात में जेर तालीम है। स्कूल में यौम वालिदैन का एहतमाम किया गया था। इसको स्कूल में दिल का दौरा पड़ा और स्कूल के अमले ने एम्बुलेंस तलब की ताकि इसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। ताहम करीमनगर अस्पताल ले जाते वक्त रेलवे गेट बंद हो गई, जिसके नतीजे में उसको अस्पताल मुंतकिल करने में देर हो गई। डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े पर उसके अरकान खानदान ने शदीद दुख का इजहार करते हुए कहा कि अगर रेलवे गेट बंद ना होती तो उसको वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, जिसके नतीजे में उसकी जान बच पाती।